स्टफ देखो अभी, लाइक कोई और किसी के पास रिकमेंडेशंस है तो दो। विंसेंजो कोरियन ड्रामा है, द वेट गोज 16 एपिसोड्स, ओ माय गॉड, मतलब नाइस स्टार्ट टू एंड यू शुड वॉच, आई वुड रिकमेंड। एक और शो नाइस है बिकॉज़ नेविल वाज स्ट्रांगली रिकमेंडिंग वेस्ट विंग ना, एक वेस्ट विंग डेनिश शो है कॉल्ड बॉर्जिन, दैट इज आल्सो 10 ऑन 10 शो, मतलब आई कैन नॉट रिकमेंड इट इनफ। बॉर्जिन इज लाइक हाउस ऑफ कार्ड्स बट मच लेस ड्रामा, नो फैंसी डायलॉग्स। इट इज एक्चुअली बेस्ड ऑन द बुक हाउस ऑफ कार्ड्स, द यूएस वन इज मच मोर यू नो एडैप्टेड इनटू देयर पॉलिटिकल सिस्टम। आई वॉच दिस शो कॉल्ड डेजिग्नेटेड सर्वाइवर, इट इज ग्रेट, या इट इज ग्रेट। Kiefer Sutherland is good. Yeah, right. That was like a surprise watch. I mean, I just stumbled upon it and then I watched it and it was really nice. It is about the designated survivor. Basically, the president is killed and there is a person who is appointed as a president of the United States, and how he like survives the whole thing. There is an attack in the parliament. Most of the cabinet is killed. Interesting. It's really nice. It's really nice. आपको अगर मतलब वियर्ड और लाइक वियर्ड नहीं क्या बोले क्वर्की सॉर्ट ऑफ चीज देखनी है तो हमेशा माय गो टू थिंग इज ब्रुकलिन नाइन-नाइन। अभी तक 7 सीजन है, लास्ट 2 सीजन काफी वाहियात है पर पहले 5 सीजन अच्छा है। आई वुड सजेस्ट वन शो एंड दैट इज द नेटफ्लिक्स यूके वर्जन ऑफ क्रिमिनल, इफ यू हैव सीन दैट, व्हिच इज अमेजिंग। देयर आर लाइक 3 एपिसोड्स सॉर्ट ऑफ अ थिंग एंड दे place a case and they're just investigating to interview, and that is it, that is all the show is, and they finally bring out whether they are guilty of the crime or not, which is amazing. Usme, Kit Harington Uttarapalli aur Jon Snow bhi hai na, yeah, Kit Harington and yeah Kunal Nair is there. So yaad hai ki Sherlock is an evergreen watch hai, pehla 2 season I'll vouch for it, baad pehle 2 season pehla 3 aage ka aage bekar, first 2 season the Riking Back Fall tak acha hai yaar, mujhe to laga tha 3rd season sort of a filler season ki tarah use kar rahe hain और फोर्थ में वो कुछ बहुत मचाने वाले हैं। इनकॉम्पिटेंस दिख गई थी उनकी सीजन 3 में, बहुत ज्यादा नहीं चलो मतलब मैं एक होता है कि कोशिश नहीं कर रहे, एक होता है कि इनको यू रियली स्टार्ट डाउटिंग कि यार ऐसे कैसे हो सकता है, आई कैन बैक बॉय फॉल के बाद आप ऐसे मजाक ही उड़ा दोगे, मतलब यू आर इंसल्टिंग आवर इंटेलिजेंस। अनदर शो दैट लाइक मैंने रेकमेंड भी किया था चैनल पे, आई हाईली रेकमेंडेड सम मिनी सीरीज, द नाइट ऑफ रिज़ा अहमद वाली, वो भी हॉट सर, वो हम देखे हैं, एक सीजन है ना उसका। मुझे थोड़ा अजीब लगा, फ्लीबैक पूरे एक सेटिंग में देखा है, आई मीन बोथ द सीजन, तो मैं वो नहीं बता पाऊंगा कि कौन सा बेटर है, पर फ्लीबैक की समथिंग एल्स, वो उस औरत पे थीसिस बननी चाहिए। नहीं नहीं बनेगी बनेगी, वो जितनी टैलेंटेड है पक्का बनेगी, एंड फ्लीबैक इज अ वन पर्सन थिएटर राइट, दैट शी एडॉप्टेड इनटू दिस, उसका एक वो भी देखना, 73 क्वेश्चंस जो वो की सीरीज है ना, 73 क्वेश्चंस विद फीबी वॉलर-ब्रिज। I haven't seen Killing Eve though, the show that she is doing. I've seen that. Is it good? मेरे को लोगों ने कहा था बाद में खराब हो गया। नहीं थोड़ा देर देख के फिर drop it. I left it. Third season I felt a little weak, but पहला दो season बहुत solid था। I think you should watch it for the characterization of the जो assassinate कर रही थी वो। जोड़ी को मारता। I mean she's brilliant. मेरा point है कि villainel जिसका character है वो जो assassin का करेक्ट है वो आपको पता है कि वो मिस्टीरियस है, उसको वो सब चीजें करना पड़ता है, उसको 14 लैंग्वेज जानना पड़ता है, उसको ये करना पड़ता है, तो ही वो काम कर पाती है। पर जो अदर कैरेक्टर सैंड्रा का जो कैरेक्टर है, उसके कैरेक्टर का एक जो अजीब सा ट्रेट है कि वो शी फेल्ट अ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन टुवर्ड्स विलेनल, दैट एलिमेंट वाज शोन सो ब्यूटीफुली, एंड द वे सैंड्रा परफॉर्म्ड, oh my god, it's not even sexual also, the attraction, no it's not, she has, I mean, not even sexual, no, so it's very charismatic, you cannot define that, it exactly, yeah, it's somewhat sexual, somewhat mystery, somewhat enmity, there's a lot of thing, the multiple emotions comes together. ye sab sun ke mere ko Bojack kyun yaad aa raha hai, I never finished the show, like it was too depressing for me. शुरू ही नहीं कर पाया, मैं दो तीन एपिसोड देख के, फॉर मी बोजैक, आई लव्ड बोजैक,
Yeah, BoJack is damn nice. मतलब it's so nice that I decided not to watch it. मेरा वैसा हो गया, BoJack बहुत दिन से नहीं देखा और जब देखा तो फिर रुक ही नहीं पाया क्योंकि every night after I came back from office, 20 minutes of that truth bombs helped me realize कि नहीं सब चूती है. And then I started myself. I would say BoJack का midway feel और end feel बहुत अलग है. उससे बेटर नहीं देखा है. But their fan base started romanticizing it and like normalizing. अरे वो BoJack बोल रहा है तो ठीक ही है ना. ये होने लग गया था. आप Reddit पे जाओ, कहीं भी जाओ, वो होने लग गया था. And then they called out their own fandom. मैंने ये सुना है कि they started calling out their own fandom. भाई तुम लोग जैसे BoJack को perceive कर रहे हो ना, ये हमारा idea ही नहीं था. That is where good writing comes. And like books की भी बात कर लेते guys. हम तो like I think Vani की भी copy आ गई, इसकी daily rituals. मुझे क्या क्या लग रहा है. मैंने तीन बार ऑर्डर करी, तीनों बार रिटर्न्स हो गए एंड इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू गेट. एवरल लेवी बुक्स आर आल्सो वेरी एक्सपेंसिव. यू हैव टू बी ऑन अ लुकआउट फॉर द प्राइसेस एज वेल बिकॉज़ कभी-कभी 400 रुपीस की आ जाती है. या यही करना. एंड देयर इज दिस ह्यूज प्राइस डिफरेंस. आई हैव नॉट रीड द थिंग्स आई डोंट. देयर इज नो रिलेशन बिटवीन. या देयर इज नो रिलेशन. बोथ ऑफ देम आर कंप्लीटली डिफरेंट. Yeah, I knew of the cost of living only. I came to know about the first bit of the series when Vani told us about it. जैसे हम अभी BoJack की बात कर रहे थे, तो the first book, things I don't want to know is about the things that you know but you don't want to know them because it would be heartbreaking and existential crisis हो जाएगा. And it's about her 40s. Cost of living is essentially the thing. I think it's 50s, right? About 50s. Yeah, about freedom and dreams and everything. This is great, yaar. Guys, let's wrap this now. But this was so much fun talking to you. We'll see you guys. Bye, Kush, Tanmay, Nikhil, Madhav. Bye, bye. Take care, everyone. Bye, everyone. Bye, bye. Bye, guys. Bye, everyone. Bye, bye. Bye, guys. Take care.